हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने पी टेट और सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारी एम की सीरीज़ करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सो so दैट साथ साथ में आप एम भी सॉल्व करते रहें आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रही लेटर स्टार्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट फिफ्टीन एम सी क्यूज़ बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे ठीक है जी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारे जो फिफ्टीन मार्क्स की एम सी क्यूज़ हैं उसमें से आपके कितने करेक्ट होते हैं आप वो नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बने और कितने करेक्ट थे फिफ्टीन में से क्लियर है लेट अस स्टार्ट हमारा जो फर्स्ट एम है वो है देखिए ये हमारी सिक्स्थ सीरीज़ है एम की चलिए फर्स्ट देखिए एम क्या है द मेटल विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर कौन सा ऐसा मेटल है जो क्या है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है आयरन ऑप्शन बी इज़ कॉपर ऑप्शन सी इज़ गोल्ड ऑप्शन डी इज़ जिंक आपने बताना है ऐसी कौन सी मेटल है पहले तो याद रखिए मेटल पूछा गया है कौन सी ऐसी मेटल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो पहले आप अपनी नोटबुक में करेक्ट ऑप्शन लिख लीजिए और देन मैच द आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गोल्ड गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो फ्री स्टेट में क्या करती है एग्जिस्ट करती है सेकंड है सेकंड एमसीक्यू क्यों देखिए द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ ऐसी कौन सी मेटल है जो बहुत लार्ज अमाउंट में क्या है हमारी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है ऑप्शंस देखिए ऑप्शन ए है आयरन ऑप्शन बी इज़ एलूमीनियम ऑप्शन सी इज़ कॉपर ऑप्शन डी इज जिंक आपने बताना है ऐसी कौन सी मेटल है जो बहुत लार्ज अमाउंट में हमारी अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एलुमिनियम जब मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया था तब भी ये बात बताई थी कि एलुमीनियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है देखिए वही एम सी क्यू बन के आ गया तो इसीलिए चैप्टर को ध्यान से पहले सुनिए उसको क्लियर कीजिए अपने कंसेप्ट को देन एम सी क्यू सॉल्व कीजिए अब डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड एम सी क्यू देखिए ब्रांस इज़ एन अलॉय ऑफ ब्रांस किसकी अलॉय है फर्स्ट ऑप्शन देखिए कॉपर एंड टिन ऑप्शन बी इज़ कॉपर एंड निकल ऑप्शन सी इज़ कॉपर एंड जिंक ऑप्शन डी इज़ कॉपर एंड एलुमिनियम उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपर सॉरी अलॉय होता अलोए का मतलब है मिक्सचर ऑफ गैसेजय का मतलब है मिक्सचर ऑफ सॉरी बोल गई मेटल्स मिक्सचर ऑफ़ मेटल्स जब मेटल्स मिक्स हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं या फिर नॉन मेटल्स उसको क्या बोलते हैं हम अलॉयज तो आपने बताना है कि कौन सी ऐसी अलॉय है जो ब्रास किसका मिक्सचर है ब्रास एक अलॉय है वो किसका मिक्सचर है आपने ऑप्शंस बताना है वे कौन कौन सी मेटल्स हैं जो मिक्स हुई हैं और ब्रास फॉर्म हुआ है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक कॉपर एंड जिंक जब मिक्स हो जाते हैं तो अलॉय बनती है ब्रास क्लियर नेक्स्ट हमारा फोर्थ एम सी क्यू है ये भी जब मैंने चैप्टर रीड करवाया था तब आपको बताया था फास्ट फोर्स इज़ कैप्ट फास्ट फोर्स किस में कैप्ट की जाती है अंडर वाटर वाटर के बीच में बी इन द एयर सी इन दैन डी इन द कैरोसिन आपने बताना है कि फॉसफॉर्स को हम किस में स्टोर कर के रखते हैं क्योंकि फॉसफॉर्स एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए इसको क्या है स्टोर करके रखना पड़ता है सो so दैट ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए तो ऑप्शन बी तो कट हो गया ये तो आएगा ही नहीं सैन भी नहीं आएगा अब आपने बताना है अंडर वाटर या अंडर कैरोसिन आप फॉसफॉर्स को किस में स्टोर करके रख सकते हो तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अंडर वाटर आफ ऑसफोर्स को क्या करते हो स्टोर करके रखते हो ठीक है जी नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फिफ्थ एम की परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन इन ट्वेंटी टू कैरेट ट्वेंटी टू कैरेट में गोल्ड कितनी अमाउंट में होता है मींस कितनी प्योरिटी होती है आपने ये बताना है फर्स्ट देखिए ट्वेंटी टू परसेंट ऑप्शन बीज एटी एट परसेंट ऑप्शन सी इज़ नाइन्टी वन पॉइंट सेवन परसेंट ऑप्शन डी इज़ ट्वेंटी सिक्स परसेंट आपने बताना है जो गोल्ड है ट्वेंटी टू कैरेट में कितनी परसेंटेज होती है मींस प्योर गोल्ड कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नाइन्टी वन पॉइंट सेवन परसेंट गोल्ड क्या है प्रेजेंट होता है इन ट्वेंटी टू कैरेट आप जब गोल्ड ख़रीदने जाते हो तो बोलते हैं ना कितने कैरेट के ट्वेंटी टू का है ट्वेंटी कैरेट का, का है तो उसी के अकॉर्डिंग ही प्राइस होता है ठीक है जी तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ट्वेंटी टू कैरेट में कितनी परसेंटेज होती है गोल्ड की कितनी होती है नाइन्टी वन पॉइंट सेवन परसेंट गोल्ड होता है क्लियर नेक्स्ट हम सिक्स की बात करते हैं मैग्नेटाइट इज़ एन ओर ऑफ मैग्नेटाइट किस चीज़ की ओर है ठीक है जी किससे बनती है ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन देखिए आयरन ऑप्शन बी इज जिंक ऑप्शन सी इज़ कॉपर ऑप्शन डी इज़ एलूमिनियम इन फोर में से बताना है कि मैग्नेटाइट किसकी ओर है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आई होप आपने अपनी नोटबुक्स में नोट कर लिया है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आयरन आयरन क्या है ओर है किसकी मैग्नेटाइट की क्लियर नेक्स्ट सेवन्थ एमसीक्यू की बात करते हैं हम टेस्ट मेटल लाइटेस्ट मेटल कौन सी है देखिए हमने क्या है आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल हैं उसमें मेनली वन हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स होते हैं ना वन हंड्रेड एटीन क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं जिसमें नाइन्टी टू क्या होते हैं नेचुरल होते हैं क्लियर बाकी क्या है मैन मेड है या आर्टिफिशियल है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने की हुई हैं मैंने एग्जांपल्स भी करवाई थी तो आपने क्या याद रखना है कि लाइटेस्ट इन बहुत सारी मेटल्स में और नॉन मेटल्स में से लाइट टेस्ट मेटल कौन सी है सबसे हल्की मेटल कौन सी है ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है एलुमिनियम ऑप्शन बी इज़ आयरन ऑप्शन सी इज़ लीथियम ऑप्शन डी इज़ सोडियम आपने बताना है कि कौन सी ऐसी मेटल है जो लाइट टेस्ट मेटल है एलुमीनियम आयरन लिथियम एंड सोडियम तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में देन चेक द करेक्ट आंसर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लिथियम क्या है एक लाइट टेस्ट मेटल है मेटल का क्या मतलब होता है जिनमें टेंडेंसी होती है पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की यही बताया था ना मैंने तो लिथियम तो ईज़ली पॉजिटिव आयन बनाता है देखिए लिथियम का अटॉमिक नंबर कितना होता है थ्री तो कैसी कॉन्फिग्रेशन आई टू और वन जो लिथियम है मैं अपना ये वन इलेक्ट्रॉन ईजली क्या कर देता है लूज कर देता है जिसकी वजह से क्या आ जाता है पॉजिटिव साइन इसीलिए ये क्या है लाइटेस्ट है, सबसे हल्की मेटल है और ये मेटल क्यों है क्योंकि इस पर क्या है पॉजिटिव साइन आता है क्लियर यह चार्ज जा आ जाता है नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एम की एर्ट एम की विच मेटल इज कॉन्सिकुटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन कौन सी मेटल है जो हेमोग्लोबिन में पाई जाती है ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है कॉपर ऑप्शन बी इज़ एलुमिनियम, ऑप्शन सी इज जिंक ऑप्शन डी इज़ आयरन आपने बताना है कि हमारे हेमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है हेमोग्लोबिन क्या है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है रेड पता है ना ये आपको तो आपने बताना है कि रेड कलर किसकी वजह से होता है कौन सा कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है कौन सा कॉन्सीटेंट प्रेजेंट होता है तो इन फोर ऑप्शंस में से बताना है कॉपर एलुमिनियम जिंक और आयरन में से कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में ब्लड में लिख देती हूँ ब्लड में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है जस्ट सेकिन हाँ जी तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी आयरन आयरन क्या है एक ऐसा मेटल है कॉन्सीटेंट है जो हमारे ब्लड में क्या है प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर सॉरी ब्लड का कलर कौन सा होता है रेड होता है ठीक है जी नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नाइन्थ एम सी क्यू की देखिए द सल्यूशन ऑफ ऐश ऑफ मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन का जो ऐश होती है उसका सल्यूशन क्या होता है देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक प्रैक्टिकल है जो आप सेवंथ क्लास में करते हैं सेवन्थ और एट्थ में या सेवन्थ में तो क्या होता है आप मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं उसको बर्न करते हैं मीन्स जलाते हैं तो जब आप उसको बर्न करेंगे ठीक है जी तो एक है ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है वाइट कलर की बहुत वाइट कलर की ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है एक शाइन आती है ठीक है जी तो जब वो आती है तो नीचे क्या बनती है ऐश फॉर्म होती है क्या फॉर्म होती है ऐश फॉम होती है जब फिर आप उस ऐश को ऐश को वाटर के साथ मिक्स कर देते हो किसके साथ वाटर के साथ मिक्स करते हो वाटर एक मिनट वाटर के साथ जब आप मिक्स करते हो उसको तो वो क्या है कोई मींस uh, उसको फिर लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया जाता है लिटमस पेपर के साथ क्या है टेस्ट किया जाता है तो वो आपने बताना है कि कौन सा कलर शो करता है लिटमस पेपर उसी से पता लगता है ना सॉरी 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 उसी से पता लगता है ना कि एसिडिक है बेसिक है या कौन सा कलर है ठीक है तो जब आप उसको ब्लू कलर सॉरी ऐश को क्या है वाटर के साथ मिक्स करते हो और लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हो तो वो कलर शो करता है ब्ल्यू कौन सा कलर शो करता है ब्ल्यू कलर अब देखिए ब्लू कलर किसका होता है जब लिटमस पेपर ब्लू कलर शो करता है तो क्या शो कर रहा है बेसिक नेचर तो ऐश है जो मैग्नीशियम रिबन की वो कौन सी होती है बेसिक होती है एल्कलाई होती है क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टेंथ एम सी क्यू की कैलेमाइन इज़ एन ओर ऑफ़ कैले माइन किसकी ओर है आपने ये बताना है देखिए ओर क्या होती है जिससे वो फॉर्म हो रही है तो आपने बताना है कि कैले माइन किसकी ओर है किससे बनती है ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए इज़ आयरन ऑप्शन बी इज़ कॉपर ऑप्शन सी इज़ एलुमिनियम एंड ऑप्शन डी इज जिंक आपने बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्यों कौन सा है पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और देन चेक द आंसर कि कौन सा करेक्ट आएगा सो so दैट मुझे भी पता चले आप अपने अगर कमेंट में बताते हो कि फ़िफ्टीन में से कितने मार्क्स आए देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कैलेमाइन किसकी ओर है जिंक की इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कैलेमाइन इज़ एन और ऑफ जिंक जिंक की ओर है वो ठीक है नेक्स्ट देखिए इलेवंथ एम सी क्यू द एलिमेंट विच डू नॉट शो एलोट्रॉपी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए इज़ फासफोर्स ऑप्शन बी इज़ कार्बन ऑप्शन सी इज़ सल्फर ऑप्शन डी इज़ एलोमीनियम आपने बताना है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या है एलोट्रॉपी शो नहीं करता इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी एल्युमिनियम एल्युमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता आई होप आपको इलेवन के 11 एम सी क्यूज क्या हो चुके हैं क्लियर हो चुके हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं देखिए ट्वेल्थ एम सी क्यू फ्लक्स इज़ अ सबस्टांस यूज फॉर फ्लक्स किसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन देखिए ऑप्शन ट्वेल्थ है रिमूव सिलिका ओनली रिड्यूजिंग मेटल ऑक्साइड रिमूविंग अनवान्टड सिलिका नन ऑफ दीज तो आपने बताना है कि फ्लक्स जो सब्सटेंस है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है पहले आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए करेक्ट ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी रिमूविंग अनवॉन्टड सिलिका जो फ्लक्स है वो सब्सटेंस यूज किया जाता है अनवांटेड सिलिका को रिमूव करने के लिए क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं थर्टीन ब्रोमाइन इज अ ब्रोमाइन क्या है मेटल नॉन मेटल सी ऑप्शन इज अलॉय ऑप्शन डी इज़ मेटलॉयड आपने बताना है ब्रोमाइन क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉन मेटल ब्रोमाइन क्या है नॉन मेटल एक देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में ओनली वन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और वन नॉन मेटल है दोनों वन वन है तो मेटल कौन सी है मर्करी मेटल कौन सी है मर्करी जो क्या है नॉन जो क्या है एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट मर्करी जो एग्जिस्ट करती है लिक्विड फॉर्म में एक मेटल है तो नॉन मेटल कौन सी है हमारी ब्रोमाइन जो क्या है एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में क्लियर है जी नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फोर्टीन एम सी क्यू की द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड जिंक ब्लेंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है ऑप्शन ए देखिए जिंक ऑक्साइड ऑप्शन बी जिंक सल्फाइड ऑप्शन सी इज जिंक कार्बोनेट एंड डी इज़ नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिंक ब्लेंड का देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जस्ट टू सेकेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी जिंक सल्फ़ाइड जिंक सल्फ़ाइड को और किस नेम से जाना जाता है जिंक ब्लेंड के नेम से नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्टीथ हमारा लास्ट एम जितने भी ये फिफ्टीन एम हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू हैं इसीलिए प्लीज़ इनकी रिविज़न करते रहिए रिविज़न करने से ही आपको याद होंगे और समझ आएंगे फिफ्टीन एम सी क्यू देखिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है कास्ट आयरन रोट आयरन पिग आयरन स्टील इनमें से कौन सी ऐसी आयरन है जो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी रोट आयरन क्या है प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की आई होप आपको फिफ्टीन के फिफ्टीन एम सी क्यूज़ क्लियर हो चुके हैं कोई भी डाउट नहीं है अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो क्लियर है जी थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक द वीडियो कमेंट कीजिए शेयर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन क्या है प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट क्या है मिलती रहे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ Thank you so much.